कैसा लगा बोट राइड में? स्कैम है, स्कैम 2020 है सर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ डे 2 इन उदयपुर। अभी हम लोग टेरेस पे ही खड़े हैं, जो हमारा रूफटॉप है रेस्टोरेंट वहीं पे, नाश्ता करके। अभी बज रहे हैं 9:30। तो मेरे पीछे जो सिटी पैलेस है वो अभी ओपन हो गया होगा, तो नाश्ता कर लिया है हम लोग। सिटी पैलेस जा रहे हैं, फिर वहाँ से बोट राइड आई गेस ओपन है। अभी नीचे हमने रिसेप्शन पे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि बोट राइड है वो शुरू है, तो बोट राइड करेंगे। उसके बाद जगदीश टेम्पल है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे रेस्टोरेंट होटल से, वहाँ पे जाना है। और फिर लास्ट में हम लोग जाएंगे सज्जनगढ़ पैलेस जो हमारा कल छूट गया था। तो चलते हैं सिटी पैलेस। अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं। जो शॉप्स है वो धीरे धीरे अभी खुलना शुरू हुई है। आई गेस मार्केट है वो 10 बजे के बाद पूरा खुलता है, क्योंकि बहुत ही कम पब्लिक है। तो सही समय ये सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने का, अगर आप थोड़ा कम क्राउड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये जो टिकट है वो जग मंदिर की 300 रुपीज़ पर पर्सन है, और इसमें जो है कैमरा इंक्लूडेड है। तो और उसके साथ साथ हम बोटिंग की जो टिकट्स हैं वो आपको अंदर से मिलेगी। तो एवरी आवर वो बोटिंग के निकलता है, 11, 12, 1 बजे, ऐसा 10 बजे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सिटी पैलेस में आपको घूमने में 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि 10 से 12 आप लोग सिटी पैलेस में घूमो, फिर 12 बजे आप बोट राइड ले लो या फिर 1 बजे, क्योंकि उसमें ऐसा है कि 2 बजे के बाद जो बोट राइड होती है उसमें कुछ 850 पर पर्सन हो जाता है, क्योंकि वो सनसेट के रूट में आता है। तो ये महाराणा उदय सिंह जी है जिसने बनाया था ये पैलेस। 400 साल लगे थे बनाने में, और ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है, मैसूर जो पैलेस है उसके बाद। अरविंद सिंह जी, अच्छा ये ऑनर है अरविंद सिंह जी। एज अब इनका 77 इयर्स। तो सर हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्वागन रानी के पैलेस जो है 5 स्टोरी का। और देखिए सर कहीं पर भी स्वागन रानी का पैलेस है जो 5 स्टोरीज का है, और यहाँ राजा और रानी दोनों साथ पैदा था। फर्स्ट पैलेस ये आता है अंदर। ये सबसे अच्छा टाइम है अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि अभी कोई पब्लिक नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग ही महल में घूम रहे हैं। सो अगर आपको आराम से एक्सप्लोर करना है अकेले, तो सुबह जल्दी सब जब ये 9:30 हो जाता है तभी आप आ जाओ, यहाँ पे गाइड ले लो, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने। ये जो एंटर होती मूर्ति वो 400 साल पुरानी मूर्ति है। तो अब यहाँ पे जो रूम आपको सामने दिखाएंगे हम, वहाँ पे महाराणा प्रताप के ओरिजिनल जो वेपन्स है 400 साल पहले यूज़ करते थे वो वेपन्स रखे गए। तो भैया फर्स्ट में रखा है महाराणा प्रताप का सेफ्टी कवच, उनको बोलते हैं पत्थर। आगे तो तलवार रखा है सर महाराणा प्रताप का, ओनी का ढाल है, और सर ऊपर ओनी का भाला है जो सोने का है। और इन सब का वजन मिलाकर है सर 35 किलो। 99% हमको फिर ये कहते हैं कि नहाने के लिए पट्टप लगता है, पर सर इसको हम कहते हैं लखू कुंड। अच्छा, जब भी कोई नई राजकुमार जब बनते थे राजा, तब हम बनते थे इसके अंदर 1,00,000 चांदी के सिक्के, 1 लाख सिल्वर कॉइंस, इसलिए कहते हैं सिस्टर लखू कुंड। लखू का मतलब हो गया लाख। भैया पे चेयर रखा है छत पर, तो जो नए राजकुमार जो बनते थे सर राजा, वो बैठते थे वहाँ ऊपर। चूना है, चूना लाइट मेरे हाथ में नहीं आएगा सिस्टर, ये चूना है और ये मार्बल है सिस्टर, हाथ में क्यों नहीं? और ये एक ही बना हुआ, एक ही पत्थर का बना हुआ है, सिंगल मार्बल सर। अच्छा, लास्ट यूज हुआ 1930 सही, सब बनाया सेफ्टी के लिए। अच्छा, अगर स्मेल पर कोई एनिमी अटैक करता है सिस्टर, तो जो एनिमी आएंगे गर्दन झुकाकर अंदर आएंगे सर। ओके, स्पेस छुटने के लिए कि हमारा सोल्जर रहेगा तलवार लेकर सर, और जैसे एनिमी आते जाएंगे गर्दन काटते जाएंगे। तो सिस्टर सेफ्टी के लिए इतने छोटे और इतने व्यवस्था बनाए कि एनिमी 1 बाय 1 आ सकता है, एक साथ 2 1 बाय 1। अभी तक आ चुके होंगे एनी आ गए फोर्थ क्या बात है सर, ऐसे भी बहुत जल्दी आ गए पर लंबे में अभी बहुत बड़ा है। हाँ। सिस्टर चौथी मंजिल पे आप खड़े हैं, आपके सामने लगा दिए हमने इतने बड़े बड़े झाड़, चौथी मंजिल पे झाड़ है सिस्टर। महल ओके भैया, गाउन भी कांच का, इसका पर्स भी कांच का, चौद्वारे भी कांच का है और सिस्टर अंदर डोर लगे हैं, दोनों आइवरी डोर है सर। हाथी के दांत के बने हुए दरवाजे हैं सर। ये था राजा रानी का बेडरूम। अच्छा बेडरूम सर 105 फीट की हाइट पर हम लोग आ गए 105। अच्छा सर सिस्टर सामने जो नीचे आप जो देख रहे हैं चौक, इसको बोलते हैं भैया दीवानी आम। दीवानी आम का मतलब हो गया सर आम लोगों के लिए। अभी आगे आएगा हमारे दीवानी खास। तो सर ये है हमारा दीवानी आम और ये है हमारा दीवानी खास। इसके बारे में हम आपको नीचे बताएंगे। तो ये है दीवानी खास और पीछे है दीवानी आम। सर ऐसा मैंने सुना है कि जब कभी कोई रानी होती थी वीडो तो उनको इधर शिफ्ट करते थे। अच्छा। और कभी कोई भी प्रोग्राम होगा, फेस्टिवल, शादी ब्याह, तो उनको शामिल नहीं करते थे। अच्छा। और कोई मेंस इधर नहीं आएगा सर, सिर्फ लेडीज आएगी उनसे मिलने के लिए। पर अब ये पता है खत्म हो गया। प्लस लेक पैलेस, जग मंदिर, उदय विलास, टाइडेंट, लीला, सब कुछ बुक करा दी 4 दिनों के लिए सर। यहाँ पे क्या था? ईशान बनी का संगीत प्रोग्राम किया इस पैलेस के अंदर। अच्छा। शादी किया यहाँ पर। अच्छा। जब शादी हो गया मंडप खोला और इधर लाकर क्या है 1.5 किलोमीटर, उसका अलावा 235 स्टेप्स। अब चढ़ के हम लोग उतर गए 235 सीढ़ियाँ, आपको पता भी चला। तो वहाँ से हम ऊपर चढ़ के गए थे और यहाँ से बाहर निकले। तो अभी हमने बोट राइड के लिए टिकट ले लिया। 530 रुपीज़ पर पर्सन है, 2 बजे तक की, और 2 बजे के बाद 750 है। तो अगर 2 बजे से पहले आते हो तो आपको 530 देना पड़ेगा पर पर्सन। तो अभी हम लोग बोटिंग करके जा रहे हैं जग मंदिर, जो कि अभी जो गाइड ने बोला था कि महल गार्डन टाइप बनवाया था बीच लेक में, वहीं पे जाएंगे। 1 घंटे का होता है टूर और 530 जो मैंने आपको बताया था पर पर्सन टिकट होती है। तो फाइनली अब लोग हम पहुंच गए जग मंदिर। ये एक लेक के बीचों बीच बनाया गया है, गार्डन है और रेस्टोरेंट है। नाम जग मंदिर है पर यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। राजा ने अपनी रानियों के लिए ये बनवाया था और फिर बाद में इसे गार्डन और रेस्टोरेंट की तरीके यूज़ कर सकते हैं, और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। 1 आवर आप मैक्सिमम यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। तो अभी यहीं पर आया है, एंट्रेंस पर आप देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं जो मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया। अब अंदर चलते और देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। और ऐसी आपको कुछ टिकट्स मिलती है, देख सकते हो। 500 रुपीज़ है पर पर्सन और 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब 530 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ पे सामने अंदर एक म्यूज़ियम है और ऐसे ओपन जगह है जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, और अंदर रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ भी कर सकते हो। तो 1 घंटे का ड्राइव रहता है ये। तो यहाँ पे बरिंदा टाइप है, उसके बाद यहाँ पे फाउंटेन्स है, वहाँ पे गार्डन बनाया और यहाँ अंदर म्यूज़ियम है। कभी म्यूज़ियम में देखते हैं है ना। इतना छोटा सा म्यूज़ियम है जो पहले की चीज़ है, जो राजा महाराजा की थी वो यहाँ पे रखी है। और म्यूज़ियम से बाहर निकलती यहाँ राइट हैंड साइड पर गार्डन है जो रानियों के लिए बनाया गया था। बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। पीछे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा सकते हो। तो आई थिंक अगर बात करें तो वर्थ है या नहीं, 530 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आपको सनसेट देखना है तो यहाँ से अच्छा दिखेगा बोटिंग में, बोटिंग करते हुए सनसेट, तो उसके लिए आप आ सकते हो। बाकी इतना कुछ खास घूमने लायक यहाँ पर है नहीं। और यहाँ ऐसे बैठने की जो अरेंजमेंट्स है वो की गई है। सामने रेस्टोरेंट है तो वहाँ से आप ऑर्डर करके यहाँ बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। हो गया तेरा फ़ोटोशूट? ये मेरे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हैं, बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हैं। इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। फॉलो कर लो, लिंक ये दे देगा। हाँ शो क्या हो गया? सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। सीढ़ियों से? कहाँ है सीढ़ियाँ? ये रही नीचे, ये रही। यहीं पे हम लोग आधे घंटे से बैठे थे, वहाँ पे फ़ोटो शूट कर लिया। और यहाँ तो और देखने लायक है नहीं। बोट राइड में मज़ा आया? नहीं आया? नहीं। पता नहीं क्या है यहाँ पे, मतलब ठीक है, फ़ोटो शूट कर सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ खाना पीना खा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 8 हाथी है यहाँ पे, फ़ोटोज़ खिंचवा लो उनके साथ, दैट्स इट। और यह है रेस्टोरेंट जहाँ पे आप ऑर्डर करके यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हो। अच्छा ये नहीं देखा था हमने, यहाँ राइट हैंड साइड पे जग मंदिर गार्डन। तो ऐसा कुछ गार्डन है। तो बस ऐसा ही कुछ गार्डन है, वहाँ पे बैठ के आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। पीछे का व्यू अच्छा है और यहाँ ऊपर भी थोड़ा गार्डन है। तो ये सब जगह पर भी बैठ के आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। व्यू यहाँ से आपको जो पैलेस का और वो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। पीछे लेक का वो व्यू और माउंटेन का जो व्यू है वो भी आपकी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। और वापस आपको बोट से सिटी पैलेस जाना है तो अंदर गार्डन से होके ये रास्ता है एग्ज़िट का। यहाँ से आपको बोट पे बैठना है, ये बोट यहाँ पे आएगी, यहाँ से आपको बोट पे बैठ कर सिटी पैलेस वापस जाना है। कैसा लगा बोट राइड में? स्कैम है, स्कैम 2020 है सर। मतलब हर टूरिस्ट स्पॉट में बोट राइड स्कैम ही है। हाँ, 530 रुपीज़ टिकट है, बट बिल्कुल वर्थ नहीं है क्योंकि वहाँ से फ़ोटोग्राफी है और कुछ नहीं। और छोटा सा जो चक्कर लगा कि आपको 2 होटल है और वो जो पैलेस है वो दिखाता है, पर 530 इतना वर्थ नहीं है। सनसेट के लिए आप जा सकते हो, मैंने बोला अगर आपको पसंद है तो अपनी प्राइवेट बोट लेके जाए, थोड़ा टाइम और ज़्यादा स्पेंड करें और दूर तक जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी जग मंदिर में इतना कुछ खास देखने लायक है नहीं। म्यूज़ियम है छोटा सा, मैंने आपको दिखाया 10-12 चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर जाके जैसे हमने सिटी पैलेस में आपको पूरा टूर दिया, ऐसा कुछ इतना बड़ा है तो हमें तो इतना वर्थ नहीं लगा। फिर आपके ऊपर, अगर आपके पास टाइम है और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो 530 पर पर्सन तो डेफिनेटली विज़िट कर सकते हो। तो अभी हम लोग आए कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट, जो हमारा जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे अच्छी मिलती है। लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस दाल बाटी का। अभी खाना खा के नीचे उतरा, कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट है, बहुत ही अमेजिंग फूड है। 350 पर पर्सन अनलिमिटेड थाली है। डेफिनेटली उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे दाल बाटी, हाँ ये अच्छा है, ज़रूर खाना। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। 2 hours later। तो गाइस हम सज्जनगढ़ पैलेस के लिए एंट्री कर चुके हैं। पार्किंग का 220 है और 195% का है। तो फाइनली हम लोग आ गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि है सज्जनगढ़ पैलेस। आपने रास्ता देखा ही होगा, बहुत ही जिगजैग वाला है। कार चलाना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, पावरफुल ड्राइवर हो तो ही आना। बहुत मस्त है। अब 2-2.5 घंटे हम लोग यहीं पे बिताने वाले हैं सनसेट देखने के लिए। कैसा रहा अंजलि ऊपर आने का एक्सपीरियंस? मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा मेरा आखिरी दिन है। तेरे कान में वो हो गया, ऊपर हाइट क्या होता है वो सुनना बंद हो जाता है। हाँ, हम दोनों के कान सुन हो गए। अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत हाइट पे है, बहुत तेज़ी से है। रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ऊपर देखते हैं कैसा है पैलेस। ऐसा कुछ गार्डन बना और सामने पैलेस है, जो अभी हम थोड़ी देर में जाके देखेंगे। बट पहले यहाँ नीचे देख के आता है, यहाँ से क्या दिखता है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपको सामने लेक पिचोला और दूसरी तरफ दूध सागर लेक, दोनों देखेंगे। और बीच में यहाँ पे पूरा उदयपुर दिखता है। तो यही था यहाँ से उदयपुर सिटी और लेक का व्यू। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। तो दिस इज़ द सज्जनगढ़ पैलेस, जो हमने आपको अंदर से दिखाया। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें। और ये पीछे का एरिया है जहाँ पे सनसेट देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और सामने के साइड सनसेट होगा, हम भी बैठे हैं। अभी वजह 4-5:30 के आसपास सनसेट होगा, तो तब तक हम यहाँ बैठेंगे। बहुत छोटा सा पैलेस है, यहाँ इतना कुछ खास अंदर देखने के लिए है नहीं। 3-4 चीज़ें रखी हुई है। बट द मेन थिंग इज़ कि यहाँ से पीछे वाली जो पर्वतमाला वो पूरी दिखती है। और सनसेट का और सनराइज़ का जो नज़ारा है वो बहुत ही औसम दिखता है यहाँ से। इसीलिए हम भी वेट कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो उससे पहले अगर आप आ गए तो सनसेट देख के आप जा सकते हैं। अभी बज गया 5:50, हमने सनसेट देख लिया है। अब यहाँ से वापस जाने का टाइम हो गया होटल। और बहुत ही मस्त वेदर है और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सनसेट देख लिया, अब चलते हैं कार के पास। 3 hours later। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हमारे रूम पे। आज का डे बहुत ही टायरिंग था और कल लास्ट डे हमारा उदयपुर में और 3-4 प्लेसेज अभी भी कवर करने के लिए बाकी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो थर्ड डे का जो व्लॉग है वो लाए हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।